हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी सीरियल में। टीवी सीरियल अनुपमा टीआरपी की लिस्ट में इस समय नंबर वन पर है। इस सीरियल में मिथुन चक्रवर्ती की बहू माधुलता शर्मा चक्रवर्ती काव्या का किरदार निभा रही हैं। मिथुन चक्रवर्ती अपनी बहू के लिए सेट पर खाना लेकर पहुंचे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिथुन वेजिटेरियन खाना लेकर आए थे। इसमें वेज बिरयानी का स्वाद टेस्ट के सभी क्रू मेंबर ने चखा। माधुलता ने बताया कि मिथुन चक्रवर्ती एक बेहतरीन शेफ भी हैं। माधुलता के मुताबिक मेरे ससुर मिथुन चक्रवर्ती अपनी रेसिपी खुद बनाते हैं। जो भी वो कुछ बनाते हैं तो उसे मैं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट डिश समझती हूँ। उनके खाने के मामले में नॉलेज बहुत बेहतर और अद्भुत है। अनुपमा टीवी शो में रूपाली गांगुली, सुधांशु पांडे और इश्कबाज की एक्ट्रेस अदिति शर्मा को साइन किया गया था। अदिति शर्मा को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव में जब पॉजिटिव पाया गया तो ऐसे में उन्हें रिप्लेस करके माधुलता को उन्हें उनकी जगह किरदार निभाने का मौका दिया गया। माधुलता शर्मा ने कहा कि जैसे ही मैंने काव्या के रोल के बारे में सुना तो तुरंत हाँ कह दिया। माधुलता टीवी सीरियल के अलावा तेलुगु फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह चक्रवर्ती से शादी की है। अनुपमा टीवी शो की कहानी एक माँ के इर्द गिर्द है जो कि अपना पूरा जीवन त्याग करते हुए परिवार के लिए समर्पित कर देती है। हालांकि उसे कभी इसके लिए सराहना नहीं मिली और हमेशा उसको दरकिनार किया जाता है। सीरियल की तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए हिंदी सीरियल न्यूज़। नमस्कार।